ये ध्रुवीकरण को लेके, राष्ट्रवाद को लेके नई नई स्कीमें लाते हैं, नए नए बयान लाते हैं, और एक आदमी बयान देता है और सारे भारतीय जनता पार्टी वाले उनके समर्थक उस बयान के समर्थन में तरह तरह की बातें करते हैं, रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, महिला सुरक्षा को लेके। आजकल आप देख रही हैं थानों में जो है पुलिस ले जा रही है और हत्या कर दे रही है, और विकास के नाम पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे जो खंभे लगे हुए हैं उसमें चाइनीज झालर देखनी है। धर्म पे, जात के नाम पे हिंसा करने का प्रयास करते हैं। अभी अभी तुरंत तत्काल की घटना देखिए, बहराइच को इन्होंने एक उदाहरण के रूप में पेश किया। लखनऊ शहर में कितनी विवत्स हत्याएं पुलिस कस्टडी में ला करके की जा रही हैं, और वो हत्याएं हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा के चुनाव के बाद अब जोरों शोर पे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके की पार्टियों की तरफ से बयानबाजियाँ हो रही हैं। कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो पिटोगे, इस तरह की बयानबाजियाँ सामने निकल कर आ रही हैं। लोगों के बीच क्या चर्चाएँ हैं इसको लेकर, क्या कुछ माहौल है उपचुनाव को लेकर, जान लेते हैं। सर, उपचुनाव स्टार्ट होने वाले, उससे पहले बयानबाजियाँ पार्टियों की तेज़ हो गई हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। देखिए, बयानबाजी चुनाव के समय होती है, होती रहेगी, लेकिन सरकार पक्ष से अगर बयानबाजी होने लगे तो ये समझ लीजिए कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि तमाम तरह की बातें हुई, मगर जो है चुनाव में क्या नतीजे आए। इस बार भी वही है, पिछली बार मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, अब जो है कटेंगे तो बटेंगे। ये ध्रुवीकरण को लेके, राष्ट्रवाद को लेके नई नई स्कीमें लाते हैं, नए नए बयान लाते हैं, और एक आदमी बयान देता है और सारे भारतीय जनता पार्टी वाले उनके समर्थक उस बयान के समर्थन में तरह तरह की बातें करते हैं, सवाल विपक्ष से किया जाता है। मगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे जो लोग हैं वो विगत 11 वर्षों से ये बताने को तैयार नहीं कि जो 2014 से आने से पहले वो लोग विपक्ष में रह के जो सवाल करते थे, जो बड़े बड़े वादे करते थे रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, सत्ता में आने के बाद जब उनको काम करने का मौका है तो उन्होंने रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, आजकल आप देख रही हैं थानों में जो है पुलिस ले जा रही है और हत्या कर दे रही है, इनकाउंटर का मसला हो, बुलडोजर का मसला हो, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, इन सारे मुद्दों पर सरकार की क्या मंशा है, सरकार का क्या स्टैंड है, ये ना मुख्यमंत्री बताना चाहते हैं, ना देश का प्रधानमंत्री बताना चाहता है, ना उनका कोई मुख्यमंत्री बता सकता है। और विधायकों से तो आप कोई उम्मीद ही मत करिए, जनता के काम तो छोड़िए, जो इनके विधायक हैं वो अपनी जनता का, अपने क्षेत्र की जनता का काम कराने में असक्षम है। उनका अपना एक दर्द है, अपनी एक पीड़ा है, उनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में उपचुनाव में ये क्या लेकर जाएंगे, ये सबको समझ में आता है। और इस तरह की बयानबाजी ये इनका काम करने का तरीका है, और ये होती रहेगी, मगर ये निश्चित है कि ये कुछ बताएंगे नहीं, और न ही ये कोई समाज के मुद्दों पर कोई काम करने वाले हैं। इसलिए जब तक हैं सरकार में, हम लोगों को इस तरह की बयानबाजी ही सुननी है, और विकास के नाम पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे जो खंभे लगे हुए हैं उसमें चाइनीज झालर देखनी है। इस बार तो चाइनीज झालर का विरोध का भी इन लोगों ने आह्वान नहीं किया, क्योंकि जो इनके उद्योगपति मित्र हैं वो सब चाइना से ही व्यापार करते हैं। और ये तो कहते हैं अब लाल आग दिखाने से डर गए हैं और डर गया है चाइना, आप कह रहे दोस्त हैं ये। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश के करीब का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर के करीब का मामला हो, वहाँ पे अतिक्रमण हुआ, भारतीय सीमा में चीनी सैनिक घुस आए, और बॉर्डर पे जो है एक निश्चित समझौते के तहत निर्माण नहीं हो सकता है, वो निर्माण चीन ने कर लिया, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सीमा के अंदर कोई नहीं आया है, जबकि रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि नहीं, सीमा के अंदर अतिक्रमण हुआ है। और फिर बाद में रक्षा मंत्री ने जो स्वीकारा था उसको रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा लिया गया, ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री ईमानदार नहीं है देश के प्रति। और देश के प्रधानमंत्री के हाथ में रक्षा मंत्रालय और तमाम लोग कठपुतली के तरह काम कर रहे हैं इनकी पार्टी की। देखिए, तानाशाही सरकार तो है ही है, और सरकार क्या मोदी जी तानाशाही प्रवृत्ति के हैं, वो कोई भी फैसला लेते हैं तो विधायक सांसद देश के सांसद के बीच में जाना तो छोड़िए, वो अपनी कैबिनेट के साथ भी नहीं बैठते हैं,
नोटबंदी के समय रात को जो है उन्होंने आह्वान किया, बताया जाता है कि उन्होंने अपने कैबिनेट, उनके कैबिनेट के लोगों को भी नहीं मालूम था कि देश में नोटबंदी होने वाली है। तो प्रधानमंत्री तानाशाही रवैये के हैं, ये जगजाहिर है, ये सब लोग जानते हैं। और प्रधानमंत्री से तो कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, पहनने को तो वो भगवान हैं, राजनीति करते हैं वो धर्म की, लेकिन उनके रहते धर्म भी सुरक्षित नहीं है। आज धार्मिक जो भी चीज़ें हैं वो ईमानदारी से लोग नहीं करते हैं, और ये धर्म को इन लोगों ने अलग दिशा दे रखी है। धर्म हो, संविधान हो, लोकतंत्र हो, रोजगार हो, महंगाई हो, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। देखिए सर, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में जिस तरह से योगी सरकार डर रही है क्योंकि धर्म और संविधान सब खतरे में, आप ऐसे देखिए? बिल्कुल सच्चाई है, धर्म और संविधान दोनों खतरे में है, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। जब भी चुनाव आना होता है, प्रारंभ होता है, कहीं भी चुनाव होते हैं, तो ये लोग पहले, सबसे पहले उस शहर को, उस प्रदेश को जलाने का काम करते हैं, धर्म पे, जात के नाम पे हिंसा करने का प्रयास करते हैं। अभी अभी तुरंत तत्काल की घटना देखिए, बहराइच को इन्होंने एक उदाहरण के रूप में पेश किया। तो ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक और अमर्यादित सरकार है। समाज में गंदगी, भ्रष्टाचार, तमाम सारी चीज़ें व्याप्त हैं। अभी तत्काल में आप देख रही हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे शहर अध्यक्ष ने आवाज़ उठाई, लखनऊ शहर में कितनी विवत्स हत्याएं पुलिस कस्टडी में ला करके की जा रही हैं, और वो हत्याएं हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने बड़ी जोर से मांग की है कि उसमें 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। 302 के तरह की घटनाएं, वो चाहे लखनऊ हो चाहे कानपुर हो, लगातार ये कस्टडियल डेथ का मामला जो बढ़ता जा रहा है, यूपी नंबर वन पे है, इसके पीछे आप जिम्मेदार? स्पष्ट है, जिम्मेदार प्रशासन है, योगी सरकार है। सीएम को अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। एक दलित की हत्या होती है, उसके परिवार के साथ कोई फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं, उसको कोई संवेदना के अनुसार कोई पैकेज नहीं देते हैं। दूसरे आदमी के यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ जब कांग्रेस पार्टी से हमारी उठती है, हमारा नेता उनके यहाँ जाता है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी वहाँ जाते हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कल जा करके उनको 10 लाख का एक पैकेज देते हैं और परिवार के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। परिवार के साथ फ़ोटो खिंचा लेने और 10 लाख रुपये दे देने से किसी का बच्चा वापस नहीं आता है। आप कितने संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में आदमी पकड़ा जा रहा है और उसको वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, जेल से एक आवाज़ पुकार रहा है कि मुझे स्वास्थ्य की मेरी जांच कराई जाए, मुझे घुटन हो रही है, उलझन हो रही है, और पुलिस बैठ करके वहीं थाने में ठहाके लगा रही है और वहीं उसकी हत्या हो जाती है। तो कहाँ की किस टाइप की सरकार है और कैसे प्रशासन चल रहा है और कैसे योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश को हैंडल कर रहे हैं, ये तो केवल चुनावी स्टंट में लगे रहते हैं। बहराइच में आगजनी हो रही है, देश में मणिपुर जल रहा है, तमाम सारे प्रकार से पूरी समाज में असंवैधानिकता का देश जल रहा हो, लेकिन मोदी जी कहते हैं विदेशों में तो उनका डंका बज रहा है। कहाँ विदेशों में कौन सा डंका बज रहा है, इवेंट करा रहे हैं, इवेंट तो हर आदमी करा सकता है, उनके 2 IAS किसी भी कंट्री में पहुँच जाते हैं। हम कह तो रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, वहाँ 2 IASO का पैनल पहले से आप भेज करके और वहाँ प्रवासी भारतीयों को सबको इकट्ठा करके किसी ऑडिटोरियम को किराए पे ले करके और वहाँ 10 सांसदों को बुला करके विदेश में और वहाँ क्लाटिंग कला रहे हैं, ताली बजा देने से थोड़ी देश का नाम रोशन होगा। आपको याद होगा इसी देश का प्रधानमंत्री, इसी देश में राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री होते थे कि वो अमेरिका जैसे कंट्री का राष्ट्रपति छतरी लगा करके गेट खोल के दरवाजे पर बैठाता था। हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी अभी अमेरिका यात्रा करते थे तो वहाँ लोग खड़े होकर के अभिवादन करते थे, तालियां बजाते थे। ये कोई नई चीज़ थोड़ी है कि आप किसी देश में जाते हो, तो ये तो भारत को इस तरह हमारे प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, हमारे देश के नेताओं ने भारत का निर्माण इस तरह से किया है कि आज आप उनके नाम पर वहाँ जाते हो तो आपको ताली बजा करके और स्वागत किया जाता है। क्योंकि जितनी भी संवैधानिक हमारी संस्थाएँ हैं, कितने हमारे बांध हैं, रिसर्च सेंटर हैं, कितने रोजगार रहे, सारी संस्थाओं को बेच बेच करके आप इस देश का खंडन कर दो, कहते हो कि भारत देश में कोई विकास नहीं हुआ है। आज आप अमेरिका जा रहे हो तो आपका तालियां बजा के स्वागत किया जा रहा है, कारपेट बिछाई जा रही है। ये राजीव जी, इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू की देन है कि आपको रेड कारपेट मिलती है किसी देश में जाके, क्योंकि उन्होंने इतना किया है, लोगों के साथ व्यवसाय स्थापित किए हैं, धंधा किया है, रोजगार किया है, इसलिए आपको वहाँ इज्जत मिल रही है। सर, उपचुनाव को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक होकर उतर रही है, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी जो है जो जुबानी जंग है वो तेज़ कर रही है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ऐसा है, ये पार्टी का हमारे निर्णय है,
ये हमारे नेता तय करते हैं, केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा तय करता है। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव है, हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों ने, हमारे संगठन ने, हमारे नेता ने निर्णय लिया है कि जो प्रदेश की 10 सीटें 9 सीटों पर जिसपे चुनाव हो रहा है हम समाजवादी पार्टी को देते हैं और हम लोग मिल के पूरी जिम्मेदारी के साथ हर विधानसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने पाएगा। देखिए लगातार प्रदेश में किस तरह से तमाम मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार नज़रअंदाज करती आई है, वो चाहे कस्टडियल डेथ का हो, चाहे वो इनकाउंटर का हो, सभी से लोग काफ़ी नाराज़ हैं, आक्रोश है लोगों में और शायद यही वजह है कि जो लोग ठान लिए हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है क्योंकि संविधान को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा, ऐसा लोगों का मानना है। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए फो पीएम देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, फो पीएम।